राहुल गांधी काफी लंबे समय से अडानी मामले को लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। इसी बीच अडानी का पलटवार सामने आया है। बता दें कि 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर छिड़े विवाद के बीच अडानी समूह ने बीते 4 सालों का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया है। अडानी समूह द्वारा जारी इन आंकड़ों को राहुल गांधी को जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अडानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट को भी झूठा करार दिया है जिसमें विदेशी निवेश को लेकर उस पर आरोप लगाए गए थे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी समूह की आय को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमलावर है। लेकिन अब अडानी ग्रुप ने साल 2019 से लेकर अब तक का पूरा हिसाब किताब जारी किया है। अडानी समूह की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, साल 2019 से अब तक समूह की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर $2.87 बिलियन यानी कि 23,525 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से $2.55 बिलियन यानी 20,902 करोड़ रुपए को फिर से बिजनेस में लगाया गया। अडानी समूह के बयान को विस्तार से देखें तो इसमें कहा गया है कि अबू धाबी स्थित ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जैसे निवेशकों ने अडानी समूह की कंपनियों में $2.593 बिलियन यानी 21,255 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये निवेश अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अडानी एनर्जी लिमिटेड में किया गया। कंपनी के प्रमोटर्स ने अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की हिस्सेदारी बेचकर $2.783 अरब यानी करीब 22,812 करोड़ रुपए जुटाए। आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन के मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह को जो विदेश निवेश यानी कि FDI मिला है, इसमें से अधिकांश गौतम अडानी के परिवार से जुड़ी विदेशी कंपनियों से आए हैं। विदेशी कंपनियों ने अडानी समूह की कंपनियों में साल 2017 से 2022 के दौरान कम से कम $2.6 बिलियन यानी करीब 21,334 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। ये रकम अडानी समूह को मिले कुल $5.7 बिलियन के FDI का 45.4% है। हालांकि अडानी समूह ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जिस निवेशों के बारे में बात किया गया है उनको लेकर 28 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 को जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है। इतना ही नहीं, अडानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक पत्र लिखते हुए रिपोर्ट डिलीट करने के लिए कहा है। इस पत्र में कहा गया है, अडानी समूह के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उससे अडानी समूह की इमेज को काफी ठेस पहुंची है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस रिपोर्ट को तुरंत हटाया जाए। हमें लगता है कि अडानी को बर्बाद करने का कॉम्पिटिशन अच्छा हो सकता है, लेकिन हम नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। हम कंपनियों के मालिकों और इसमें आ रहे निवेशकों को लेकर कोई भी बात अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।